कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतलाय. आपला पक्ष नेहमीच समविचारी पक्षांबरोबर निवडणूक लढवतो, त्यामुळे कर्नाटकमध्ये उमेदवार न देता काँग्रेस उमेदवारांना पाठिंबा देण्याची पक्षाची भूमिका असल्याचं राष्ट्रवादीचे महासचिव डी पी त्रिपाठी यांनी सांगितलंय. पुढल्या महिन्यात कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. काँग्रेस भाजपा धर्मनिरपेक्ष जनता दलामध्ये तिरंगी लढत होतीये. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि माजी मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांच्यामधल्या संघर्षात राष्ट्रवादीनं सिद्धरामय्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याचा निर्णय घेतलाय. सवाल ये है कि आप अपनी शक्ति को पहचानते हुए उस शक्ति को नष्ट न करते हुए जीतने वाली पार्टी के पक्ष में जोड़ दीजिए. और कर्नाटक का चुनाव इसलिए भी निर्णायक है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद अगर कर्नाटक में हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो फिर लोकसभा के चुनाव में भारत मोदी सरकार का न आना बिल्कुल तय हो जाएगा. वैसे भी तय है, मगर इसका निर्णायक फैसला कर्नाटक के चुनाव के बाद हो जाएगा. श्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.